वेलकम टू माय चैनल अखंड क्लासेस। आज हम बायो मॉलिक्यूल का न्यूक्लिक एसिड पार्ट बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए के बारे में। चैप्टर का नाम है बायो बायो मॉलिक्यूल्स है। बायो मॉलिक्यूल्स में हम डीएनए के बारे में डिस्कस पहले कर रहे हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डीएनए के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डीएनए डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसमें बी डीएनए के बारे में हम पहले बताएंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो वाटसन एंड क्रिक, वाटसन क्रिक सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे 1953 में सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में वाटसन और क्रिक ने बताया था। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है ये जो बताने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बता रहे हैं आपको। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिक्स होता है। डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, इसका इसमें दो स्ट्रैंड्स मिलता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए है टू स्ट्रैंड्स which are anti-parallel to each other. DNA का जो backbone होता है वो sugar और phosphate का बना होता है। backbone of DNA is made from pentose sugar and phosphate. DNA का जो backbone होता है वो जो बैकबोन स्ट्रक्चर होता है वो पेंटोस शुगर और फास्फेट से बना होता है। कि दो स्ट्रैंड्स आपस में ये क्वाइल हैं, और क्वाइल किस तरह से है कि ये यू रिवन जैसे फोल्ड होता है, पूरा 360 का मूवमेंट हो रहा है ना, और एक एक्सिस के चारों तरफ बीच में एक जो एक्सिस है उसकी तरफ हो रहा है, और दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ये जो क्वाइल स्ट्रक्चर्स है इसी को हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और दोनों स्ट्रैंड के बीच में नाइट्रोजनियस बेस लगा होता है। डीएनए के दोनों ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये शुगर और फास्फेट का बना होता है। शुगर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड शुगर और फास्फेट का बना होता है, और दोनों स्ट्रैंड के बीच में
दोनों स्ट्रैंड के बीच में नाइट्रोजनियस बेस होता है। दोनों स्ट्रैंड के बीच में नाइट्रोजनियस बेस होता है। नाइट्रोजनियस बेस जैसे अगर एडेनिन है यहाँ तो थायमिन होगा, अगर ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा। मतलब नाइट्रोजनियस बेस बेस प्रेजेंट इन नाइट्रोजनियस बेस जो इसके अंदर होता है वो प्यूरिन जो होता है हमेशा पिरिमिडिन के भी साथ बाइंड होता है। प्यूरिन मतलब अगर एडेनिन है तो वो थायमिन के साथ बाइंड करेगा, और अगर वो ग्वानिन है तो वो ग्वानिन है तो वो साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। एडेनिन है तो वो थायमिन के साथ, मतलब प्यूरिन है, प्यूरिन मतलब कि ए एडेनिन, अगर वो एडेनिन है तो वो थायमिन के साथ, और ग्वानिन है तो वो साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। तो इसके बीच में नाइट्रोजनस बेस होता है जो कि एडेनिन थायमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंड होता है। दोनों डीएनए का जो दो स्ट्रैंड होता है वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरल होता है। एंटी पैरल मतलब कि अगर पेंटोज शुगर एक स्ट्रैंड में थ्री एंड पर होगा तो वही दूसरा उसी स्ट्रैंड का जो दूसरा एंड होगा वो फाइव होगा, और अगर ये एक स्ट्रैंड की शुरुआत थ्री नंबर कार्बन पेंटोज शुगर के थ्री नंबर कार्बन शुरू हो रही है तो वो दूसरा स्ट्रैंड का जो शुरुआत होगा वो फाइव नंबर कार्बन से शुरू होगा और उसका लास्ट थ्री होगा। इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड फाइव, एक स्ट्रैंड थ्री टू फाइव होता है तो दूसरा फाइव टू थ्री होता है, और दोनों स्ट्रैंड इसको कहते हैं एंटी पैरेलल है। दोनों स्ट्रैंड कहीं आपस में कहीं भी नहीं मिलते हैं। ये जो स्ट्रैंड है तो इस तरीके से डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वाटसन और क्रिक दिए थे, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स होता है। डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। डीएनए में का जो स्ट्रैंड होता है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसका जो बैकबोन है, बैकबोन मतलब ये जो स्ट्रैंड है ये शुगर और फास्फेट का बना होता है। ग्रीन वाला जो स्ट्रैंड है या रेड वाला स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड आप शुगर पेंटोज शुगर जो न्यूक्लियोटाइड में प्रीवियस वीडियो में न्यूक्लियोटाइड पढ़ाए थे तो न्यूक्लियोटाइड बताए थे शुगर और पेंटोज शुगर और फास्फेट कैसे बनते हैं, तो वो पेंटोज शुगर और ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और इसके बीच में जो नाइट्रोजनियस बेस होता है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। अगर इसके अंदर यहाँ एडेनिन है तो इधर थायमिन होगा, थायमिन है तो यहाँ ग्वानिन है तो ये साइटोसिन होगा, यहाँ एडेनिन है तो इधर थायमिन होगा। इस तरीके से एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ होता है। नाइट्रोजनियस बेस डीएनए में जो नाइट्रोजनियस बेस होता है वो थायमिन मिलता है, और आरएनए में जो नाइट्रोजनियस बेस है वो यूरासिल मिलता है। इसके बारे में डिस्कस लेटर ऑन करेंगे। ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये स्ट्रैंड है क्या बैकबोन है वो शुगर फास्फेट का बना होता है। तो किस तरीके से शुगर फास्फेट का बना होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये शुगर है, शुगर है तो शुगर में ये वाला एंड आप यहाँ पर एक नंबर फाइव वन नंबर कार्बन पर बेस होता है, बेस मतलब एडेनिन हो गया, यहाँ फाइव नंबर कार्बन यहाँ फास्फेट ऐड होगा, यहाँ थ्री नंबर कार्बन है तो यहाँ एक नंबर कार्बन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ फाइव नंबर कार्बन तो फास्फेट ऐड होगा और थ्री नंबर है तो OH होगा। इसी तरह से थर्ड पेंटोज शुगर है, थर्ड पेंटोज शुगर में भी यहाँ नाइट्रोजनियस बेस है, नाइट्रोजनियस बेस
थायमिन हो सकता है, यहाँ फाइव नंबर कार्बन तो यहाँ फास्फेट है। तो इसी तरह से ये थ्री शुगर्स हैं आपस में फास्फोडाइस्टर बांड से कनेक्ट हैं, और इस तरह से तीन शुगर बनाए, इधर भी हम तीन शुगर बना करके हम पेंटोस बैकबोन बनाना चाह रहे हैं डीएनए का। इसमें यहाँ नाइट्रोजनस बेस है, अगर यहाँ एडिनिन है तो यहाँ थायमिन होगा। यहाँ साइटोसिन है तो ये गुआनिन होगा, और थर्ड जो है मैं पेंटोस शुगर, यहाँ थायमिन है तो ये एडिनिन होगा। इसके नीचे ओएच है, यहाँ भी ओएच होगा, और यहाँ फिफ्थ नंबर कार्बन पर फास्फेट ऐड है, यहाँ भी फिफ्थ नंबर कार्बन पर फास्फेट ऐड है। तो जैसा पता है कि आपको यहाँ हमेशा नाइट्रोजनस बेस एक नंबर कार्बन पर ऐड होता है, और जो पेंटोस फास्फेट ग्रुप है वो फाइव नंबर कार्बन पर होता है। इसी तरह से यहाँ वन नंबर कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस है और फाइव नंबर कार्बन है, वन नंबर नाइट्रोजन बेस है, फाइव है ये, यहाँ यहाँ थ्री नंबर कार्बन पर थ्री नंबर ओ एच है, थ्री नंबर कार्बन पर ओ एच है, और फाइव नंबर पर यहाँ भी पेंटोस, फाइव नंबर कार्बन पर पेंटोस शुगर है। तो जैसा ये आप देख रहे होंगे कि दो यहाँ पेंटोस शुगर फास्फेट, पेंटोस शुगर फास्फेट, पेंटोस शुगर फास्फेट आपस में बाइंड करके, पेंटोस शुगर और फास्फेट ये आपस में बाइंड करके फास्फोडाइस्टर बांड बना देंगे, ये भी बाइंड करके फास्फोडाइस्टर बांड बना देंगे, यहाँ भी यहाँ फास्फेट ओएच दोनों ऐड करके फास्फोडाइस्टर बांड करेंगे, और ये भी ज्वाइन करके फास्फोडाइस्टर बांड करेंगे, और ये दो स्ट्रैंड बना देंगे डीएनए का दो स्ट्रैंड। इसी तरीके से अभी हमने तीन लिखा है, ये बहुत सारे पेंटोस शुगर और फास्फेट बना करके लंबे डीएनए के चैन बना देते हैं, और इनके बीच में, इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस जैसे यहाँ एक नंबर कार्बन पर एडिनिन है तो दूसरे वाले पर जो वन नंबर कार्बन है यहाँ वहाँ थायमिन होगा, एडिनिन बाइंड करेगा थायमिन का, एडिनिन थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है स्ट्रक्चर्स, हमेशा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर्स होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ओके। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो फाइव, इस पेंटो शुगर का फाइव एंड अगर इधर है तो दूसरे के पेंटो शुगर का फाइव एंड इधर है, तो इस तरह ये अगर एक स्टेट फाइव एंड इधर है तो ये फाइव ये हो गया, और उसी का लास्ट में ये थ्री हो गया, और इसमें यहाँ थ्री एंड है तो दूसरे का फाइव एंड इधर हो गया, और इस तरीके से डीएनए का दो स्ट्रैंड बन जाता है। डीएनए जो है फाइव टाइप्स होते हैं, डीएनए का फाइव टाइप्स होता है, और फाइव टाइप्स में ए बी सी डी एंड जेड डीएनए, इसमें से बी डीएनए जो है, बी डीएनए ये कॉमन टाइप होता है, बी डीएनए अभी जो बताए हैं, अभी जो बताए हैं ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर है। बी डीएनए स्ट्रक्चर्स में कुछ चीजें काउंट, डीएनए में जो एक डीएनए का जो एक स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड्स देख रहे होंगे कि यहाँ दो स्ट्रैंड है, ये कंप्लीट एक 360 पर मूव हुआ है, ऐसे गया, ऐसे गया, उसके बाद कंप्लीट मूव 360 का मूवमेंट है। तो एक बार जो क्वाइलिंग होती है डीएनए का, जो स्पाइरल क्वाइलिंग होता है वो कंप्लीट 360 का जो मूवमेंट होता है, तो वो वन मूवमेंट जो है वो यहाँ से मतलब यहाँ तक का जो एक इस कंप्लीट जो मूवमेंट है यहाँ गया और फिर से इस तरीके से मूव गया, तो एक ब्लू मूवमेंट है वो एक मूवमेंट
जो कंप्लीट एक क्वाइल होता है, वो कंप्लीट क्वाइल्स की बीच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक बार जो डीएनए मुड़ा है तो वो पूरी कंप्लीट का जो क्वाइलिंग का जो टर्न्स है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और 34 एंगस्ट्रॉम इस और एक जो क्वाइलिंग होती है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी में जो बेस पेयर हैं 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ये जो बेस पेयरिंग है, ये बेस पेयरिंग 10 बेस पेयरिंग होता है एक क्वाइलिंग में, मतलब 34 एंगस्ट्रॉम में। एक कंजुकेटिव जो दो कंजुकेटिव बेस पेयर्स है, मतलब इसके बाद इसका जो बेस पेयर्स का जो दूरी है, दो बेस पेयर्स के बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके अलावा दो स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी होती है, दो स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर रेडियाई करें तो 10 एंगस्ट्रॉम हाफ होता है, मतलब 10 यहां से हाफ 10 और इधर 10। कंप्लीट दो स्ट्रैंड के बीच की जो दूरी है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक क्वाइलिंग के बीच में 10 यहां से यहां तक दो बेस के बीच का जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। आरएनए जो दूसरा न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए डीएनए ही जैसा होता है लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, और आरएनए में सारे बेस पेयर्स होते हैं लेकिन आरएनए में जो नाइट्रोजनियस बेस होता है थायमिन नहीं होता है, थायमिन के जगह पर दूसरा बेस पेयर होता है जिसका नाम है यूरासिल। जैसे थायमिन एडेनिन के साथ बाइंड करता है उसी तरह से यूरासिल भी एडेनिन के साथ बाइंड करता है। दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए एंड आरएनए।